गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना चैप्टर चल रहा था आपका पार्ट टू में कुछ विशिष्ट जनन की विधियां थी वह आपकी चल रही थी जिसके अंदर अनावर्ती असंख्य जनन की विधियां चल रही थी, अनावर्ती पुनरावर्ती आपकी काय भी अपस्थानिक पूर्णता वह काय के असंख्य जनन ये इतने हो गई थी सूक्ष्म प्रवर्धन है। अगला टॉपिक अपना चल रहा था वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुपूर्णता। बहुपूर्णता सामान्य तौर के ऊपर यानी एक ही बीजों में एक से अधिक जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं बहुपूर्णता कहते हैं। तो चैप्टर है इसका टॉपिक है अपना बहुपूर्णता। बहुपूर्णता लिखो बीजों में एक से अधिक बीजों में एक से अधिक भ्रूणों का एक से अधिक भ्रूणों का बनना बीजों में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। पहला चेंज करके लिखना बहुभ्रूणता का पता सर्वप्रथम है बहुपूर्णता का पता सर्वप्रथम ल्यू वेनहोग ने होक वैज्ञानिक का नाम है ल्यू हेन होक ने 1719 में संतरे के बीजों में लगाया था। संतरे के बीजों में लगाया था एग्जाम्पल जैसे नींबू है इसके अंदर भी बहुपूर्णता पाई जाती है। नींबू जामुन तंबाकू प्याज आदि पहला चेंज करके लिखना विंटा पादप का नाम है वेंडा नामक अधिपारक में बीज के अंकुरण के समय एक से अधिक परिपक्व भ्रूण पाए जाते हैं। आवर्तबीजी जो पादप हैं इनके अंदर बहुपूर्णता पाई क्यों जाता है जाती है किसके कारण बहुपूर्णता पाई जाती है यानी जब एक तो प्राप्त जो भ्रूण होता है छोटा भ्रूण होता है इसके अंदर विदलन होती है। विदलन की प्रक्रिया यानी खंडुआ जैसे एक से दो, दो से तीन इस प्रकार से विदलन की प्रक्रिया के तहत भी इसके अंदर प्राप्त ये बहुपूर्णता पाई जाती है। दूसरा है भ्रूण कोष में जो अंडकोशिका है अंडकोशिका के साथ साथ
किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है, जिसके कारण से भी आपकी बहुभ्रूणता पाई जा सकती है। थर्ड है, एक से अधिक एक ही बीजाण में एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास भी हो जाता है, उसके कारण भी आपकी बहुभ्रूणता पाई जा सकती है। तो पहला लिखो, प्राक भ्रूण में वितरण, प्राक भ्रूण में वितरण है। सेकंड है, सेकंड भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में अंडकोशिका, भ्रूण कोश में अंडकोशिका के साथ साथ अंडकोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास, अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास। थर्ड है, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास, बीजांड एक ही है, एक ही बीजांड में यानी भ्रूण कोश एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास, एक ही बीजांड में एक से अधिक या कई भ्रूण कोशों का विकास। अगला फोर्थ है, बीजांड की बीजाणोद्भिदे, बीजांड की बीजाणोद्भिदे कोशिकाओं की सक्रियता से, बीजाणोद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से पादपों में पादपों में बहुभ्रूणता निम्न कारणों से होती है। फर्स्ट है वितलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता। देखो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीज में एक से अधिक
भ्रूणों का विकास हो जाता है। एक से अधिक के भ्रूणों का विकास हो जाता है। सेकंड है, अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोष की अन्य कोशिका से भ्रूण कोष की अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण, भ्रूण कोष की अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। निर्माण इसमें लिखवागे, इस प्रकार की बहुगुणता में, इस प्रकार की बहुगुणता में निषेचित अथवा अनिषेचित, निषेचित अथवा अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से भ्रूणों का विकास होता है, भ्रूणों का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया एरिस्टो लोकिया ब्रेक्टिएटा ब्रेक्टी एटा कॉमा आर्जिमोन आर्जिमोन मिक्सी काना मेक्सिकाना आदि, इनके अंदर ही पाया जाता है। एरिस्टो लोकिया ब्रेक्टेटा और आर्जिमोन मेक्सिकाना। थर्ड है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास, भ्रूण कोशों का बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। इस प्रकार की बहुगुणता में, इस प्रकार की बहुगुणता में एक ही बीजांड में, बहुगुणता में एक ही बीजांड में एक से अधिक, एक से अधिक भ्रूण कोष विकसित हो जाते हैं। विकसित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भ्रूण कोष में, प्रत्येक भ्रूण कोष में उपस्थित उपस्थित अंड कोशिका से
उपस्थित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे केजू, राइना, मोंटाना। केजू, राइना, मोंटाना। केजू, राइना, मोंटाना इसके अंदर ही पाया जाता है। फोर्थ है, कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांड काय अथवा अध्यारणे की कोशिकाएं सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं। अब चित्र का लास्ट पॉइंट है, बहुभ्रूणता का महत्व है। महत्व क्या है बहुभ्रूणता का? महत्व सीधा सा है कि यदि एक ही अनेक बीजों का है निर्माण इसके अंदर किया जा सकता है, एक से अधिक। बहुभ्रूणता का महत्व है, पहला लिखो, बीजांडकाय से विकसित विकसित होने वाले अपस्तनिक भ्रूण मातृ पादप के सम्मान होते हैं। सेकंड, बीजांडकाय से विकसित भ्रूण विकसित भ्रूणों से प्राप्त पादप प्राप्त पादप पादप संकर ओज से युक्त होते हैं संकर ओज से युक्त होते हैं थर्ड है, बीजांडकाय से विकसित भ्रूणों से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं। तीसरा है, यानी बीजांडकाय से जो विकसित भ्रूण है वह आपके रोग रहित होते हैं। तरह चेंज करके लिखना, जैसे नींबू की किस्मों के विषाणु रहित क्लोन बीजांडकाय
संवर्धन से प्राप्त बीजान का संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं। फोर्थ है कायिक भ्रूण से, कायिक भ्रूण से कृत्रिम बीज तैयार किए जा सकते हैं, कृत्रिम बीज तैयार किए जा सकते हैं। फिफ्थ है अगुणित भ्रूण से, अगुणित भ्रूणों से कोल्चिसिन, कोल्चिसिन कोल्चिसिन उपचार द्वारा समयुग्मकों की वंशावली तैयार की जा सकती है। इसके साथ ये चैप्टर था, ये अपना कंप्लीट होता है, पूरा होता है। क्वेश्चन लिख लो इसके। पहला लिखो अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुव्रणता से आप क्या समझते हैं, बहुव्रणता किसे कहते हैं तथा आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में बहुव्रणता के कोई दो कारण लिखिए, कोई दो कारण लिखिए। अगला क्वेश्चन अपस्तानिक भ्रूणता, अपस्तानिक भ्रूणता से आप क्या समझते हैं, अनावर्ती एसएम जनन व पुनरावर्ती एसएम जनन जनन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन अनिषेक जनने व अपयुग्मन में अंतर लिखिए, अपयुग्मन में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन
जनन अपबीजांडता क्या है या जनन अपबीजांडता व कायिक अपबीजांडता में अंतर लिखिए। जनन अपबीजांडता व कायिक अपबीजांडता में अंतर लिखिए। बहुपूर्णता के कोई दो महत्व लिखिए। कोई दो महत्व लिखिए। विदलन बहुपूर्णता से क्या तात्पर्य है? विदलन बहुपूर्णता से क्या तात्पर्य है? इसके साथ ये चैप्टर है आपका, ये क्वेश्चन या तो जो आप होमवर्क की कॉपी हो उसी के अंदर ठीक कर लेना, या यदि अलग से कॉपी डालो तो अलग से डाल लेना, यदि उसी के अंदर करो तो उसी के अंदर कर लेना। थैंक यू। ये चैप्टर है, अगला चैप्टर है वो अपन कल शुरू करेंगे।